बाला खातून आपको आराम करना चाहिए। आराम करने से मुझे और थकन हो जाती है, मुझे अच्छा लग रहा है ये सब। उस्मान साहब से वादा किया था मैंने, अगर आपने आराम ना किया तो पैगाम भेज दूंगी। अच्छा अच्छा, अल्लाह राजी हो आपसे खातून। समझ नहीं आता कि मेरी मददगार उस्मान से मेरी शिकायत करेगी। रुको, अस्सलाम वालेकुम बाला खातून। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदी। बहुत शुक्रिया, वालिदा ने सलाम कहा है और ये लंगर भेजा है उन्होंने। सलामत रहे, अल्लाह कबूल करे। ये तोहफा है मेरी वालिदा की तरफ से, हम सब अलाउद्दीन साहब के मकरूज हैं। बहुत शुक्रिया, सादत खातून ने अच्छा तोहफा भेजा है। सऊद बहुत ही पुरसकून जगह है। बिल्कुल ऐसा ही है, सऊद दूसरे खित्तों से मुख्तलिफ और हसीन है। मुझे इजाजत दें तो मैं कुछ मदद करना चाहूंगी। अगर ऐसा है तो आ सकती है, मुझे खुशी होगी। किस्मत खातून, ये ले लो। माशाल्लाह कितने प्यारे हो। जब ऐसे भूखसदा लोगों को देखती हूं तो खुद पर शर्मिंदगी होती है। हाँ ऐसे ही है, मगर ये सब एक इम्तिहान है। ज्यादा दौलत होना, गुरबत का होना कुदरत का एक इम्तिहान है। इंसान भूल जाता है कि अल्लाह ने क्या दिया है उसे। उसे लगता है माल और दौलत सारी उसी की मिल्कियत है, इसी वजह से वो किसी को देता नहीं। मगर बांटने से अलग ही खुशी मिलती है, और इस खुशी को आप जानती हैं, इसलिए जब चाहे आ सकती हैं। गोंजा खातून, जरूर आऊंगी। वालिदा, क्या हम यहाँ पर आराम करने के लिए नहीं आए थे? तो काम कौन कर रहा है, मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ यहाँ। ऐसे खड़े मत रहो, यहाँ मदद करो मेरी। वालिदा आ जाओ बेटा, इसे पकड़ो। अच्छा ठीक है वालिदा, ठीक है। मुश्किल तो नहीं हो रही चला खातून? नहीं मदरसे वाले, ये तुम्हारे लिए है। क्या है ये? आप मुझे तोहफा दे रही हैं? नहीं, भाई की जान बचाने के लिए वालिदा ने भेजा है। उनका शुक्रिया, लेकिन मैं नहीं ले सकता हूं। मेरा काम इसे देना था, अगर नहीं पसंद आया तो खुद वापस कर दे। ठीक है, मैं कर दूंगा।